सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो अभी आपने वीडियो देखी है ये वाली वीडियो, कार ब्लास्ट वाली कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर पे। दोस्तों आपको काइन मास्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है काइन मास्टर डाउनलोड करके, और आपको यहाँ फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से 16:19 वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका कुछ काइन मास्टर ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, मीडिया पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो शूट करनी है, छत पे चले जाना है और कुछ इस तरह से आपको वीडियो शूट करनी है। मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। इसकी वॉल्यूम सबसे पहले आप बंद कर देना है। इस तरह से बंद करने के बाद आपको करना है क्या, वीडियो छत पे जाना है और आपको इस तरह से कुछ शूट करना है वीडियो को। तो मैं आपको वीडियो यहाँ थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे शूट करना है। तो इस तरह आपको छत पे जाना है और वीडियो शूट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपको वीडियो शूट करना है। तो यहाँ पे आपको छत पे जाना है, इस तरह वीडियो शूट कर लेना है। जब आपकी वीडियो शूट हो जाएगी तो आप इस वाली वीडियो को लेके आ जाना, अपनी फर्स्ट वाली वीडियो को। फिर आपको यहाँ मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको कार ब्लास्ट वाली वीडियो लेके आनी है। इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आपको ये कार ब्लास्ट वाला यहाँ लेके आ जाना। इस तरह आपकी दो वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह आपकी दो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। आपकी फर्स्ट वीडियो छत वाली हो गई और सेकंड आप कार ब्लास्ट वाली वीडियो। इस तरह से आपको लेके आ जाना है। आने के बाद दोस्तों जैसे आप कार ब्लास्ट वाली वीडियो लेके आओगे, फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक दूसरी वीडियो शूट करनी है, जो ग्रीन पर्दा होना चाहिए पीछे। तो उसको कहाँ लगाना है, आपको कार यहाँ पे लगाना है। तो आपको उस वाली वीडियो को लेयर पर से लेके आना होगा। आपको लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है और उस ग्रीन इफेक्ट वाली को लेके आ जाना है। तो याद रहे दोस्तों, पीछे ग्रीन इफेक्ट होना चाहिए, ग्रीन पर्दा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह ग्रीन होना चाहिए। फिर आपको जब ये ग्रीन पीछे आपका पर्दा होगा तभी आपकी वीडियो बनेगी। तो इस तरह आपका ग्रीन इफेक्ट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अनेबल कर देना है। इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे अनेबल करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ताकि जो ग्रीन ग्रीन इफेक्ट दिख रहा है बॉडी पे वो हट जाए। तो इस तरह आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह आपको एडजस्ट करना है, कुछ ग्रीन ग्रीन इफेक्ट हट जाएगा। फिर आपको वीडियो प्ले करके देख लेनी है कुछ इस तरह से, देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार वीडियो यहाँ पे अच्छे से सेट करके बता देता हूँ, ये वाली ग्रीन इफेक्ट वाली। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना, फिर आपको वीडियो प्ले करके देखना है। तो इस तरह से आपकी कुछ वीडियो बनेगी, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह वीडियो बनेगी। आपको इस ग्रीन इफेक्ट को थोड़ा और हटा लेना है, क्रोमा की पे जाके अच्छे से यहाँ से एडजस्ट करना होगा। आपको यहाँ पे जो ग्रीन होगा पीछे का पर्दा वो हटाना है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। जब आप यहाँ से एडजस्ट कर लोगे, इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद जब यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा इसको डिटेल कर में जाके इसको ऊपर नीचे कर लेना है। तो इस तरह आपको ऊपर नीचे करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी। बनने के बाद आपको कार का लास्ट वाला पार्ट कट कर देना है कैंची पे जाके सेकंड नंबर पे। इस तरह से आपकी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी, देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट लगाना है। तो दोस्तों आप, मैंने शेक इफेक्ट और जो वीडियो है मैंने उसका लिंक नीचे दे रखा है, आप वहाँ से शेक इफेक्ट बना सकते हो। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें शेक इफेक्ट नहीं बताऊंगा। तो वहाँ से आप शेक इफेक्ट देख सकते हो कैसे लगाते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो लिंक नीचे वहाँ जाके। तो आपको शेयर पर क्लिक करना है और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो एडिटिंग लाता रहता हूँ।